अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन शाइन। डेली ब्लॉग्स चैलेंज का पांचवा दिन। यार आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान से किसी ने MBBS करने आना होता है चाइना में, तो उसकी कोशिश यही होती है कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं कि जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बतानी है जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, और ये भी बताऊँगा कि उस यूनिवर्सिटी में फॉरनर टीचर्स हैं या नहीं हैं, और उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, और चाइना में वो यूनिवर्सिटी किस जगह पर है। चाइना की करेंसी RMB है, और जितने भी फीस स्ट्रक्चर हैं वो सारे मैं आपको RMB में बताऊंगा, क्योंकि RMB का रेट चेंज होता रहता है। तो जब आपने अप्लाई करना होगा आपने देख लेना है कि तब RMB का रेट क्या है। जब मैं आया था तब एक RMB इक्वल होता था 15 रुपीज़ के, अब एक RMB 23 रुपीज़ के इक्वल है। अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शुरू करते हैं पहली यूनिवर्सिटी से। पहली यूनिवर्सिटी है छंगतू यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन लिखा होता है उसमें MBBS के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और साथ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। चाइना के जिस प्रोविंस में ये यूनिवर्सिटी है उस प्रोविंस का नाम है सिचुआन प्रोविंस और सिटी का नाम है छंगतू। इनका जो फर्स्ट ईयर का कम्प्लीट पैकेज है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, रेजिडेंस परमिट, एयरपोर्ट पिकअप, ये सब कुछ मिला के फर्स्ट ईयर का पैकेज इनका बनता है 37,000 RMB का। सेकंड ईयर से ट्यूशन फ़ी 18,000 RMB है और हॉस्टल फ़ी 2,400 RMB है। जो वीज़ा एक्सटेंशन की फ़ी है और साथ इंश्योरेंस की फ़ी, ये आपने हर साल देनी होती है, और वीज़ा एक्सटेंशन 400 RMB होता है और मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB। इस यूनिवर्सिटी में दो पाकिस्तानी टीचर्स पढ़ा रहे हैं अभी, और इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रूम में दो स्टूडेंट्स रहते हैं। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनैलिटीज़। ये चाइना के हुबे प्रोविंस में है, और जिस सिटी में ये, उस सिटी का नाम है अंश। फर्स्ट ईयर का इसका कंप्लीट पैकेज 38,000 RMB है, जिसमें आपकी अप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, रेजिडेंस परमिट, वीज़ा एक्सटेंशन, एयरपोर्ट पिकअप, सब कुछ शामिल होते हैं। सेकेंड ईयर से इसका ट्यूशन और हॉस्टल दोनों मिला के 19,500 RMB बनता है, और बाकी वही वीज़ा एक्सटेंशन की 400 RMB फ़ी और मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB। इसमें दो फॉरेनर टीचर्स हैं अभी, और इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी एक रूम में दो स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये भी हुबे प्रोविंस में है, लेकिन इसका सिटी डिफरेंट है। जिस सिटी में ये, उसका नाम है शियांगयांग। इसका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पैकेज 40,000 RMB है, जिसमें उसी तरह एप्लीकेशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, एयरपोर्ट पिकअप, हर चीज़ शामिल होती है फर्स्ट ईयर के कंप्लीट पैकेज में। सेकंड ईयर से इस यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ट्यूशन फ़ी 18,000 RMB है और हॉस्टल फ़ी 3,000 RMB है। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रूम में तीन स्टूडेंट्स रहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में भी फॉरनर टीचर्स हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है छिफंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये चाइना के इंदर मंगोलिया प्रोविंस में है, और जिस सिटी में ये, उसका नाम है छिफंग। इस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पैकेज 38,000 RMB है, जिसमें वही सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, सारा कुछ वही है। तो सेकेंड ईयर से इस यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर ये है कि ट्यूशन फ़ी 16,000 RMB है और हॉस्टल फ़ी 2,500 RMB है, और वीज़ा एक्सटेंशन 400 RMB और मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB। इस यूनिवर्सिटी से अभी तक 3 बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, फॉरेन टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक रूम में 3 स्टूडेंट्स रह रहे हैं अभी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम है हुबे पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी। ये भी हुबे प्रोविंस में है, और जिस सिटी में ये, उसका नाम है हुआंगशे। इस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का कम्प्लीट पैकेज 40,000 RMB है, और सेकेंड ईयर से ट्यूशन फ़ी 16,000 RMB है और हॉस्टल फ़ी 3,000 RMB है, और वही वीज़ा एक्सटेंशन 400 RMB एंड मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB। इस यूनिवर्सिटी में आई थिंक एक या दो पाकिस्तानी टीचर्स हैं, और एक रूम में दो स्टूडेंट्स अलाउ हैं हॉस्टल में। शेंडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, तो मतलब इसमें MBBS के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे और साथ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने। तो ये यूनिवर्सिटी शेंडोंग प्रोविंस में है, और जिस सिटी में ये, उसका नाम है चिनन। ये यूनिवर्सिटी बीजिंग के करीब है, और इसका फर्स्ट ईयर का कंप्लीट पैकेज 40,000 RMB है, और सेकंड ईयर से ट्यूशन फ़ी 20,000 RMB और हॉस्टल फ़ी 3,000 RMB।
वीज़ा एक्सटेंशन उसी तरह 400 RMB और मेडिकल इंश्योरेंस 800 RMB। इस यूनिवर्सिटी में फॉरेनर टीचर्स मेरे ख्याल से नहीं हैं और जो हॉस्टल में एक रूम में दो स्टूडेंट्स रह रहे हैं। और फिर आती है वो यूनिवर्सिटी जिसमें अभी मैं पढ़ रहा हूँ, हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं सबसे आखिर पे क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इस बार हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद अगले साल दोबारा अलाउ कर दें यूनिवर्सिटी वाले। मेरी जो यूनिवर्सिटी है ये हुबेई प्रोविंस में और शैनिंग नाम है सिटी का। तो फर्स्ट ईयर का कम्प्लीट पैकेज अभी जो चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी का वो 41,000 RMB है और सेकेंड ईयर से ट्यूशन फी 16,000 RMB और हॉस्टल फी 4,000 RMB, वीज़ा एक्सटेंशन 400 RMB उसी तरह, और मेडिकल इंश्योरेंस हमारी यूनिवर्सिटी में 600 RMB है। हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था तब कंप्लीट पैकेज हो रहा था फर्स्ट ईयर का 24,000 RMB और अब 41,000 RMB हो गए। खैर, हमारी यूनिवर्सिटी में फॉरनर टीचर्स नहीं हैं और हॉस्टल में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक रूम में दो स्टूडेंट्स रहते हैं, पिछले जो व्लॉग मैंने बनाया था अपने हॉस्टल में उसमें मैंने आपको बताया था। और ये तो सारी वो यूनिवर्सिटीज़ थी जिनकी मैंने इन्फॉर्मेशन ली या मुझे जो पता थी, हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो जिसका फीस स्ट्रक्चर कम हो, लेकिन मुझे नहीं का पता था। मैं जो बाकी MBBS इन चाइना के हवाले से ब्लॉग बनाए हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपका कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।